गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 वी विल डू स्टोरी सम्स ऑफ एडिशन। वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 2.3। दैट एक्सरसाइज वी हैव डन एडिशन फैक्ट्स, सेकेंड वन एडिशन बाय एक्सपेंडेड मेथड, एडिशन ऑफ बिगर नंबर, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर एंड एडिशन बाय कॉलम मेथड। नाउ वी विल स्टार्ट एडिशन ऑफ स्टोरी सम्स ऑफ एडिशन। क्लियर? इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू स्टोरी सम्स। किसके? स्टोरी सम्स ऑफ एडिशन। योर एक्सरसाइज 2.4, दिस वन एक्सरसाइज यू विल डू ऑन द नोटबुक। बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट, यू विल राइट डेट एंड डे, you will write first of all your date, after that day. Clear? Exercise 2.4. now read the statement. Your first question you can do on the book. Your first question is, there are 1572 स्टूडेंट्स इन द प्राइमरी विंग ऑफ अ स्कूल। स्कूल के प्राइमरी विंग में इतने स्टूडेंट्स हैं। 849 स्टूडेंट्स इन द मिडल विंग। मिडल विंग में इतने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। स्कूल में बताना है आपको कितने स्टूडेंट्स हैं। यस, स्टूडेंट्स इन प्राइमरी विंग। प्राइमरी विंग में कितने हैं? 1572। क्लियर? स्टूडेंट्स इन मिडल विंग। मिडल विंग में कितने हैं? 849। टोटल मैंने बताया था, टोटल इज अ कीवर्ड ऑफ एडिशन। मीन्स यू हैव टू डू एड इन दिस सम। किस किस को एड करना है? 1572 एड 849। अब आप यहां पे एड करके देख सकते हो, 1572 में एड करना है 849। 9 + 2 = 11, 1 कैरी। 7 + 4 = 11, 11 + 1 = 12, 1 कैरी। 8 + 5 = 13 + 1 = 14, 1 कैरी। 1 + 1 = 2। सो योर आंसर इज 2421। आंसर लिखोगे, देयर आर 2421 स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। क्लियर? नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 121 पीपल इन द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। ट्रेन के कंपार्टमेंट में इतने पीपल हैं। इन अनदर कंपार्टमेंट, ट्रेन में जो डिब्बे बने होते हैं ना, वन कंपार्टमेंट में इतने पीपल हैं। अनदर कंपार्टमेंट में 112 पीपल हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट्स। तो बताओ दोनों कंपार्टमेंट्स में कितने पीपल हैं। क्लियर? हाउ यू विल राइट? सो यू विल राइट पीपल इन वन कंपार्टमेंट 121, पीपल इन अनदर कंपार्टमेंट 112, पीपल इन बोथ कंपार्टमेंट। बोथ इज अ कीवर्ड ऑफ एडिशन। यू विल डू एड। क्लियर? वंस में इसको वंस में, टेंस को टेंस में, हंड्रेड को हंड्रेड में। 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2। सो 233 पीपल इन बोथ कंपार्टमेंट। Both compartment. Clear? In this way you will do the sum. After that you will mark a line. Clear? After every question you will mark a line. Now read the statement of third question.
थर्ड क्वेश्चन, देयर वर 650 पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ डायरी. इतने पैकेट्स थे डायरी में मिल्क के. 297 मोर पैकेट्स ऑफ मिल्क वर ब्राउड. इतने और ज्यादा उसने परचेज कर लिए. हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मिल्क आर देयर इन डायरी. नाउ अब बताओ कितने हैं. मैं बोल रही हूँ आपके पास पहले 2 कैंडीज थी, आपने 3 मोर परचेज कर लिया, अब आपके पास कितनी होगी? 5. कैसे पता चला? 3 + 2 = 5. इन दिस वे यू विल डू क्वेश्चन नंबर थ्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली इट्स ओके, अदरवाइज आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू योर सेल्फ. क्लियर? यस. पैकेट्स ऑफ मिल्क इन डायरी 650. मोर पैकेट्स ऑफ मिल्क ब्राउड कितने खरीदे हैं? 297. टोटल पैकेट्स ऑफ मिल्क नाउ अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? क्या करते थे? प्लस वंस, टेंस, हंड्रेड. वंस को 1 से, 0 प्लस 7, 7, 9 प्लस 5, 40, 1 कैरी, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 1, 9. सो एट लास्ट यू विल राइट, सो 947 पैकेट्स ऑफ मिल्क इन डायरी. नाउ डायरी में कितने पैकेट्स है? 947. क्लियर है? सो 947 पैकेट्स ऑफ मिल्क इन डायरी. नाउ आफ्टर दैट यू विल मार्क अ लाइन. सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है. देयर वर 1499 पेंसिल्स इन अ कार्टून. इतनी पेंसिल्स थी कार्टून में, बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में इतनी पेंसिल्स हैं. 788 पेंसिल्स वर एडेड. इसमें और एड कर दी. एडेड मीन्स प्लस. क्या करोगे इनको? प्लस. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. मीरा गेव 1 टॉफी ईच टू 125 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3. क्लास 3 में वो हर एक स्टूडेंट को 1 टॉफी दे रही है. एंड वाज लेफ्ट 37 टॉफीज. और उसके पास 37 टॉफीज बच जाती हैं. हाउ मेनी टॉफीज डिड शी हैव? हाउ मेनी टॉफीज डिड शी हैव? अगर मैं बोलूं आपके पास 5 कैंडीज, आपने 2 कैंडीज अपने फ्रेंड को दे दी, आपके पास 3 कैंडीज बच गई, तो आपके पास टोटल कैंडीज कितनी थी? कितनी थी? आपने 2 अपने फ्रेंड को दे दी, 3 आपके पास बच गई. कितनी थी आपके पास कैंडीज? 5. कैसे पता चला? 3 + 2 = 5. सिमिलरली मीरा ने 125 कैंडीज तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 125 स्टूडेंट्स को एक एक कैंडी दी है. 37 उसके पास बच गई, तो उसके पास कैंडीज कितनी थी? कैसे राइट करोगे? मीरा ने 1 टॉफी 2 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को दी है? 125. लेफ्ट कैंडीज, जो लेफ्ट टॉफीज है उसके पास कितनी बची थी? 37. नंबर ऑफ टॉफी शी हैव, कितनी थी उसके पास? कैसे करोगे? प्लस वंस, टेंस, हंड्रेड. 7 + 5 = 12. 1 कैरी. 2 + 3 = 5. 5 + 1 = 6. 1 एज इट इज. सो 162 टॉफीज शी हैव. इतनी टॉफीज थी उसके पास. क्लियर? आफ्टर दैट यू विल मार्क अ लाइन. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6. अ लाइब्रेरी अबाउट इतनी बुक्स, 2947 बुक्स ऑफ पॉइंट्स. लाइब्रेरी में इतनी पॉइंट्स की बुक्स हैं. एंड 5050 स्टोरी बुक्स हैं. हाउ मेनी बुक्स डिड द लाइब्रेरी बाय इन ऑल? तो बताओ, उसके पास इन ऑल इज ऑल्सो कीवर्ड ऑफ एडिशन, तो उसमें कितनी बुक्स हैं? हाउ मेनी बुक्स डिड द लाइब्रेरी बाय इन ऑल? कितनी उसने परचेज की है? पहले उसने बुक्स पोएम्स की इतनी परचेज कर ली, बाय कर ली, स्टोरी बुक्स इतनी ले ली, तो बताओ उसके पास लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं? क्लियर? यू विल डू एडिशन. दिस वन क्वेश्चन यू विल डू बेटा योर सेल्फ. क्या लिखोगे? लाइब्रेरी अबाउट बुक्स, लाइब्रेरी अबाउट पोएम बुक्स इक्वल टू दिस, लाइब्रेरी बाय स्टोरी बुक्स इक्वल टू दिस, टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी. क्लियर? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7.
On Saturday, 1,475 men, 309 women, 2,787 children visited the Science Museum. इसमें आप वो विजिट करने जा रहे हैं. How many people visit the museum in all? In all is also keyword of addition. So you will do add. See on the board. Yes. Number of men in science museum. Number of women in science museum. Number of children in science museum. Total people in science museum. Clear? What you will do? Total means you will do addition. 1 stays 100,000. Clear? First you will do addition of 1 stays. 9 plus 7, 16. 16 plus 5, 21. 2 carry. 7 plus 2, 9. 9 plus 8, 17. 1 carry. 4 plus 3, 7. 7, 7, 14. 14 plus 1, 15. 1 carry. 1 plus 1, 2, 2, 2, 4. So you will write, so 4,571 people visited in science museum. इतने people उसमें क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं. Hope you have understand exercise 2.4. In this exercise, you will do story sums of addition. अच्छे से ध्यान से statement को read करना है. After that, you will make a statement. After that, you will do addition. Clear? Hope you have understand this one exercise. If you have any query, then you can ask me. Thank you. Have a nice day.